आपका नाम आगोजान है। आज तक तो सारे मेरे घर में मुझे यही कहते आए हैं। आंटी, घर का कोई एड्रेस, कोई नंबर कुछ तो होगा? मेरा घर बड़ा पुराना है, बहुत खूबसूरत सा है। पता है, मैं शादी होकर उसी घर में गई थी, उस वक्त तो वहाँ पर फोन भी नहीं था। बाद में कम वक्त जब फोन लगने का वक्त आया तो मेरी नजर इतनी कमजोर हो गई, कोई नंबर नजर ही नहीं आता मुझे। वरना मैं इतनी जहीन थी कि सारे नंबर रट लेती। और मेरी बच्ची बिल्कुल मेरे पर ही गई है, बहुत जहीन है वो। बच्ची का नाम तो याद होगा आपको? उसका नाम बहुत प्यारा है, खूबसूरत सा है, वो है भी बहुत अच्छी। मेरी गुड़िया मेरा इतना ख्याल रखती है ना, मुझे गरारा दिलाने के लिए लाई थी कि फिर खो गई। वाओ, इनको तो कुछ भी नहीं याद है। हीना, बुजुर्ग है। आंटी, आप प्लीज अपनी बच्ची का नाम याद करने की कोशिश करें, वरना इस तरह उसके मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। गुड़िया का बहुत अच्छी है वो, अल्लाह की कसम। उम्मीद पाशा। पाशा तो घर पर है, मेरे साथ तो उम्मीद आई थी। आपकी बातों से पता चल गया था कि आपका उम्मीद से कोई ताल्लुक है। और आप बिल्कुल सही कह रही थी, वो पूरी की पूरी आप पर गई है। और थोड़ी नहीं, माशाल्लाह से बहुत बातें करती हैं। तुम उसे जानते हो, वो बहुत मशहूर है। अरे जी जी आगोजान, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप आइए, मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ। रीना, तुम्हारा घर पहले आएगा, हम तुम्हें ड्रॉप करेंगे और उसके बाद फिर मैं आगोजान को ड्रॉप करूंगा। आठ ग्यारह बाद में चले जाएंगे। लेकिन मेरे चांद, मुझे मेरे घर का रास्ता नहीं आता। अरे आगोजान, मुझे आता है ना आपके घर का रास्ता। सर जी, चल ध्यान से ध्यान से। मार्केट गई हुई थी तो अचानक मुझे ये प्यारा सा बच्चा मिल गया। इतना अच्छा है ना अल्लाह की कसम, लेकिन ये बोलता बहुत कम है। सारे रास्ते मैं ही तो बातें करती हुई आई, अगर उम्मीद होती तो बहुत मजा आता। ले, अभी भी उम्मीद ही के गुण गा रही हैं। बेटा, अब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं अंकल, शुक्रिया कैसा, एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से मेरा फर्ज था। है? फर्ज शनासी, जिम्मेदारी? इस सियारे के तो नहीं लगते भाई, किस दुनिया के हो तू? अरे लाल पाशा, इस दुनिया में भी अभी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बस हमारे घर में ही बस थोड़ी सी किल्लत है इस चीज की।